मेरा एक सवाल और है कि देखा जाए तो एक ही तरह का कल्चर है इस देश में, एक ही तरह का आर्ट, एक ही तरह का सिनेमा, एक ही तरह का सब कुछ, वर्चस्व एक वर्ग का और एक तरह की जो है ना लोगों का है। तो ऐसे दौर में डॉक्टर अंबेडकर का स्केच बनाना, फूले फातिमा शेख और तमाम तरह के जो आइडियल हैं, जो तमाम तरह के जो आइकन हैं उनके स्केच बनाना, ये आप लोगों ने शुरू किया आपने और आपने, लेकिन आपको शुरू में लगा कि इससे जो है मैं जो है अपना जीवन यापन भी कर पाऊंगा? हाँ हाँ, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि क्योंकि मैंने डिज़ाइन की एजुकेशन ली है तो मुझे डिज़ाइन का बिजनेस समझ में आता है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगी। मुझे लगा कि ये एक वॉइड है जिसको ना कि, और दोनों तरफ से वॉइड है। और मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे मूवमेंट में फिर भी आइकोनोग्राफी है, तो मेरे को बहुत सारे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग अपने लोग अपने जगहों के पोस्टर्स भेजते हैं। गुजरात में पोस्टर बने हैं जिसमें बाबा साहेब जो है वो तांगे के ऊपर जा रहे हैं, अलग अलग पोस्टर्स। तो लोगों ने, छोटे छोटे आर्टिस्टों ने वैसे तरीके से रीजनल जगहों पर वो काम किए हैं, बट जो मेन स्ट्रीम में जो इमेजरी है वो नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ का आता था कि जब आर्टिकल्स हमारे ऊपर छपते थे तो जो विजुअल इमेजरी जो यूज़ करते थे वो सवर्ण इमेजरी यूज़ करते थे, तो मुझे कभी कनेक्ट ही नहीं होता था कि ये जिस तरह का अम्बेडकर लगा रहे हैं या फिर ये जिस तरह के फूले लगा रहे हैं, मुझे उससे कभी कनेक्ट ही नहीं होता था। मुझे लगता था कि ये इनकी मीडियोक्रिटी है जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे पूरा अपॉर्चुनिटी का वो है। और अब हम 2000, जब मैंने ये डिसीजन लिया तो ये 2018 और 17 के करीब की बात है। और क्योंकि मैं अकेडमिया में था तो मुझे पता है कि कास्ट एंड रेस के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी अकेडमिया काम कर रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक इन 2020s, जब हम 20s में एंटर करेंगे। सो जैसे अभी के टाइम पे डिकॉलोनाइजेशन, क्रायलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं जो 2025 के बाद एकदम बूम करके आएंगे। तो मुझे ये चीज़ अपने अकेडमिक्स की वजह से पता चली थी कि इसकी अपॉर्चुनिटी है एंड इसकी अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज, क्योंकि अब ये मार्केट में तो आ जाएगा बट ये इमेजरी पे पैसा कोई और कमाएगा, तो ये वॉइड मुझे पता था कि मेन स्ट्रीम में आएगा आएगा। मुझे ये भी पता था कि हमारी सेकेंड जनरेशन अब स्कूलों में है और एजुकेशन ले रही है, तो वो ज़्यादा असर्टिव होगी। तो मुझे ये वॉइड दिख रहा था कि ये विजुअल आर्टिस्ट का जो वॉइड है, ये हमें ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी, विजुअल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ये वॉइड हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा जो अपने ही लोग कर पाएंगे। तो मैंने तो उसको बहुत ही सोच समझ के इस चीज़ को सोचा था कि देयर शुड बी अ वे ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड बिजनेस आउट ऑफ माई वर्क। बिरसा, फूले, पेरियार, सब पे आपने आर्ट बनाया और उनके जयंती पे आप तमाम तरह की चीज़ें जो हैं बनाते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत प्रभावित की, जब जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने के कारण मार दिया गया था राजस्थान में, आपने बाबा साहब की मूछें बनाई, क्या सोचा आपने? और बाबा साहब को मूछों में पहली बार हमने देखा आपके आर्ट के थ्रू। ये एक्चुअली वही, मतलब ये मैं उस टाइम पे यही सोच रहा था कि जैसे बाबा साहेब का डिसीजन था कि उनको मूछ नहीं रखनी थी, बट वो ये दुनिया बनाना चाहते थे कि वो किसी भी तरह का हेयर स्टाइल, किसी भी तरह की मुस्ताश, किसी भी तरह की बेड रख सकते हैं। तो मुझे लगा अगर आज बाबा साहेब जिंदा होते और ऐसा कुछ होता तो वो इसके, मतलब ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि वो खुद मूछ उगा लेते, बट वो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा, मतलब उत्तेजित होकर लड़ते। तो मुझे कहीं ना कहीं वो लगा कि मैं उसको किस तरीके से दिखाऊं, वो उत्तेजना को किस तरीके से दिखाऊं। तो मुझे कुछ विजुअल में छोटी सी ऐसी चीज़ करनी थी जो मुझे क्लिक करे। और मैंने उस दिन देखी है, मतलब क्योंकि हम विजुअल लोग हैं तो हम इमेजिन करते हैं पहले चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमने पेपर पे सीधे बनाना शुरू कर दिया, तो हम पहले इमेजिन करते हैं चीज़ें। तो उस टाइम पर मेरी ये फर्स्ट इमेजिनेशन है, जबकि मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था शायद, बट ये मेरी फर्स्ट इमेजिनेशन थी कि मैं बाबा साहेब को ही मूछ में देख रहा हूँ और उसमें उन्होंने मूछ पकड़ी हुई है, वो उनकी मूछ है नहीं, उन्होंने एक ऐसा करके डंडा भी है उसमें, उन्होंने मूछ को पकड़ा हुआ है कि ये नकली मूछ उन्होंने लगा रखी है कि मैं तेरे साथ हूँ, मतलब तेरे को ये हक है कि तू मूछ रख सकता है या फिर घोड़ी चढ़ सकता है या फिर बारात लेके जा सकता है या सूट पहन सकता है या काम कर सकती है या फिर जिस तरह के अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती है। जैसे अभी अर्चना गौतम की भी बात ले लीजिए, तो अर्चना गौतम को बहुत सारे लोगों ने अपनी कम्युनिटी के डिस्कार्ड कर दिया जस्ट बिकॉज वो बिकनी मॉडल है। आप एक, मतलब आपने एक महिला को कैसे, अब आप जो हमारे जो कम्युनिटी के जो बॉडी बिल्डर लड़के हैं
जिनको ये अवार्ड मिलते हैं कि यूपी का बेस्ट, अभी एक कोई मिस्टर इंडिया भी बना था, तो उस तरीके से आप उसको जो है वो सपोर्ट करते हैं, प्राउड फील करते हैं, बट आप यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं। यहाँ पे आप बाबा साहेब के साथ है नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है बाबा साहेब को। फिर बाबा साहेब जिस तरीके से औरतों को आगे लेके जा रहे हैं, आप उनकी माइंड की जो फ्रीडम है उसको आपको वो देना पड़ेगा। मतलब अगर अर्चना गौतम, बाबा साहेब ने यही तो काम किया ना, आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि तू बिकनी मॉडल है इसलिए हम तेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, कितना उसको बेचारी को हेट मिला इस चीज का। पुरुष तो ऐसे ही हाफ पैंट पहन के, निक्कर पहन के, ऊपर कोई बिना कपड़ा पहन के, बॉडी बिल्डर को क्यों वो किया जा रहा है? वो भी तो अपनी बॉडी का वो दिखा रहा है ना, बॉडी की स्कल्पटिंग दिखा रहा है, वो अपनी फैमिली एंड बॉडी की स्कल्पटिंग दिखा रही है, तो वो डिफरेंस कहाँ से आया? सो ये चीजें जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इसमें मेरे को लगती है कि हैं। लोकेश भाई, आपका जो है पूरा नाम है, अब हो गया लोकेश पूजा बौद्ध, तो अभी ये बात कर रहे थे कि बाबा साहब होते तो जो है फेमिनिज्म जो मूवमेंट जो चला है, खैर भारत में फेमिनिज्म अगर कहा जाए तो बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के बाद ही आया है, जहाँ पे महिलाओं को उन्होंने आधी आबादी को जो है उनका अधिकार दिया। आपने अपने नाम में पूजा लगाया है, क्या है इसकी कहानी? इसकी कहानी यही है कि जब हम अपने बहुजन महापुरुषों के संघर्षों को जानते हैं तो वो जो संघर्ष जो है केवल बहुजन महापुरुषों ने नहीं बल्कि बहुजन महिलाओं ने भी उनके साथ में किया है, दोनों एक साथ मिल करके चले हैं। और उदाहरण भी मैं देता हूँ कि जब तथागत बुद्ध ने ये सोचा कि मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए तो बाकायदा यशोधरा ने उनका साथ दिया। ज्योतिबा फुले ने जब ये विचार ठाना कि नहीं मुझे भारत की महिलाओं को शिक्षित करना है, भारत की बहुजनों को शिक्षित करना है, तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षित करने का काम अपनी वाइफ को किया और बकायदा फिर उसके बाद दोनों मिल करके जो है उन्होंने भजनों को शिक्षित करने का काम किया। इसके बाद बहुत अच्छा उदाहरण बाबा साहेब रमाई है कि बाबा साहेब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रमाई उनके घर परिवार को पूरा चला रही है, कंडे बेच रही है, और मतलब जितना वो संघर्ष कर सकती महिला वो पूरा संघर्ष कर रही है। तो बहुजनों महापुरुष जो बहुजनों का जो आंदोलन है उसको अगर हमको आगे लेकर के जाना है तो वो केवल पुरुषों से संभव नहीं जब तक महिलाओं का साथ ना मिले। और यहाँ पर मुझे मेरी वाइफ जो है पूजा, उनका बेहद ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलता है मुझे कि मैं खास तौर पर मगर ये कहूँ मैं कि वो वही रोल निभा रही है मेरे जीवन में जो रमाई निभाती थी। इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि जो संघर्ष मैं कर रहा हूँ वो संघर्ष में केवल मेरे अकेले का नाम ना हो, उनका भी नाम होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं जब भी मैं कुछ आर्ट बनाता हूँ तो बकायदा उनका जो नाम है जाहिर होता है, क्योंकि संघर्ष दोनों का एक समान है, एक जैसा है, इसलिए उनका नाम लेता हूँ मैं। बाबा साहब कहते थे कि मैं उस समाज का प्रगति इस बात पर मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी शिक्षा, कितनी डिग्रियाँ हासिल की है, लेकिन चूँकि बहुजन समाज की बात हो रही है तो मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूँगा कि अभी 21वीं शताब्दी में संविधान बनने के तकरीबन 70 साल बाद, हिंदू कोड बिल पास होने के तकरीबन 65 साल बाद भी बहुजन जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व भी हर फील्ड में कम है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है, शून्य है। क्या वजह रह गई, कहाँ कमी रह गई सिद्धेश भाई? मैं इसमें फेमिनिस्ट की तरह पोर्ट्रे नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसमें एक पेट्रियार्कल आदमी की तरह बात करनी चाहिए कि मैं अगर आदमी हूँ तो मैं पेट्रियार्कल हूँ। और मुझे आई थिंक ये लगता है कि हमने पूरी कोशिश की है एज आदमी, मतलब हमने हर औरत को एक दोहरे अभिशाप में रखा है अपनी औरतों को कि एक जाति का और उससे भी बड़ा जो है वो पितृसत्तात्मक सोच का, सोसाइटी का, तो डबल बैरिकेड, और उससे हमने हमने उसको जकड़ा बहुत बुरी तरीके से। हम उसको निकालने का कोई उपकार नहीं कर सकते, हमें अपने आप अपनी खुद की सीमाओं को समझने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। हमारे अब ये जो प्रगति नहीं हो रही है उसमें आज भी 70 साल के बाद, ये हिंदू कोड बिल और बाबा साहेब के सारे वचनों के बाद, हम पुरुषों ने अभी भी अपनी पितृसत्तात्मक सोच को नहीं छोड़ा है। हम अम्बेडकरवादी ज़रूर होते हैं बट हम कभी भी नारीवादी नहीं होते हैं।
हम पोट्रे करते हैं, और लेकिन अंबेडकरवादी होना ही नारीवादी है। हम पोट्रे करते हैं कि हम नारीवादी, क्योंकि हम अंबेडकरवादी वो बाय डिफॉल्ट है, बट मुझे नहीं लगता कि वो बाय डिफॉल्ट है। पितृसत्तात्मक सोच जो है वो एक, मतलब एक ऐसी बीमारी है जो जिससे आपको रोज लड़ना पड़ेगा, रोज हर घंटे आप कुछ ना कुछ ऐसा गलत करते, क्योंकि आप आदमी पैदा हुए थे, आप ऐसी अनकॉन्शियसली भी डिसीजंस लेते हैं, चीजें करते हैं, क्योंकि आप ब्रॉटअप भी एक आदमी की तरह हुए थे, जिसकी वजह से आप किसी को सप्रेस करते हैं, किसी को ऑप्रेस करते हैं। तो वो चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम सवर्ण क्लास को क्रिटिसाइज करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने आप को भी क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, और उतना ही हार्श होने की जरूरत है, क्योंकि हमने बनाया है उन लोगों के लिए जो ये पूरा माहौल मुश्किल बनाया है, वो बनाया है। आज भी जो है हमारी औरतें जो है उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम है। यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि जो सवर्ण महिलाएं हैं उनके मुकाबले दलित महिलाएं भारत में तकरीबन 14.5 साल कम जीती हैं। इतना बड़ा जो है गैप है, इतना बड़ा गैप है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कहते थे कि जब तक आप आधी आबादी को कंधे से कंधा मिला करके उनको आगे रख करके, उनको हमेशा कहते थे कि महिलाओं को आगे रखो। लेकिन जो अंबेडकरवादी कहते हैं खुद को, जो खुद को कहते हैं कि लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, तमाम थे, उनके यहाँ की महिलाएं भी कहाँ गायब है, उनके यहाँ की महिलाएं भी क्यों नहीं दिख रही हैं। उनका इतना बड़ा नाम है, इतना इंटेलेक्चुअली वो साउंड करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं लंबे लंबे, लेकिन उनके घर की महिलाओं को भी लोग नहीं जानते हैं। तो क्या है, क्या वजह लगती है आपको, क्या क्या एक साजिश है ये? साजिश नहीं है, बस यही चीज़ है कि उनके जो भी जहन में जो है प्रतिसत्तात्मक सोच जो है अभी भी कायम है, केवल वही चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि ना तो उन्होंने ठीक से बाबा साहब को पढ़ा। बहुजन समाज की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि बहुजन मूवमेंट को खास तौर पे बड़े रूप में वही चला रहे जो बाबा साहब को ठीक से पढ़े नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर बहुजन मूवमेंट को आगे चलाना ही है और जो इसका दावा करते हैं, तो उनको खुद की महिलाओं को जो है सामने रखना चाहिए। मेरा भी प्रयास रहता है कि अगर हम कहीं जाए मतलब कि खासतौर पर सामाजिक, क्योंकि हमारा जो भी एक दायरा है वो परिवार से ज़्यादा सामाजिक रूप से बना हुआ है, तो कहीं भी जाना होता है तो दोनों को एक साथ जाना होता है, एक साथ बात रखना होता है। और उनका जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो मतलब पुरुष बोलूँगा मैं, कि हम कभी कभी वो बात महिलाओं से नहीं कर पाते हैं कि जो बातें महिलाएं महिलाओं से कर पाती है, तो वो सारी चीज़ें भी हमको चालू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वाभाविक है प्रतिसत्तात्मक जो सोच है आज भी हमारे पास मतलब मौजूद है। तो अगर हमको किसी प्रकार का बदलाव लाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम खुद के घर से लाएं। हम क्योंकि किसी और से उम्मीद करेंगे कि वो, अगर अंबेडकरवादी खुद का दावा कर रहा है तो वो अपने घर की महिलाओं को लाए। जब तक हम खुद आइडल नहीं बनेंगे तब तक वो सामने वाला आइडल कहाँ से बनेगा। हम खुद को आइडल बनाएंगे तो हो सकता है कि उनके यहाँ की महिलाएं बगावत कर दे कि ये तुम तो अकेले चल देते हो समाज में, मेरे को क्यों लेके नहीं जाते हो करके, उसके यहाँ की महिलाएं जाती है तो आप मेरे को लेके नहीं जाते हो। तो हर चीज़ की जो शुरुआत होती है ना वो खुद से होती है, आप खुद लेकर के जाओ तो फिर परिवर्तन जो है औरों में देखने को मिलेगा। हाँ, इसी में से बस एक आखिरी सवाल था मेरा, इसके बाद हम लोग अपना जो है बातचीत यहाँ पे रोक देंगे, कि अमूमन देखा जाता है कि जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं, ये भी एक गलत चीज़ है कि तीन पुरुष बैठ कर महिलाओं की बात करें, लेकिन नहीं, पितृसत्ता भी मैं ये हाँ, आपको बोलना चाहता हूँ, हमें पितृसत्तात्मक सोच के बारे में ज़्यादा हाँ बिल्कुल पैट्रियार्की के हाँ वी आर दी यस पैट्रियार्की यस हम तीनों जो है फेमिनिज्म के बारे में हम कुछ हाँ बिल्कुल तो ट्रे कर सकते हैं हाँ कभी फेमिनिज्म हाँ। लेकिन मैं एक अपने घर की या फिर हमारे हम अपने सभी के घर की ये कहानी बता रहा हूँ कि जैसे हमारे घर में मैं माँ है, बहनें हैं, घर का भी काम करती हैं, बच्चे भी जो है उनको संभालना होता है, उसके अलावा वो और भी कई सारे काम कर रही होती हैं, जैसे खेतों में भी काम करने जाती हैं, अगर कोई जॉब कर रही हैं महिला तो वो जॉब भी करने जा रही हैं, मतलब हमसे दुगुना तीन गुना काम कर रही हैं, लेकिन उसका कोई रिकग्निशन नहीं है। और प्लस उसके अलावा भी
सबसे आसान होता है समाज में, जो मैंने जितना देखा है कि एक महिला का कैरेक्टर एसिनेशन, तो ये सब आप कैसे देखते हैं सिद्धेश भाई, मतलब इसको कैसे ठीक हो पाएगा? हम अपने लेवल पे तो शुरुआत करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन इसको कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? जैसे इसके बारे में ना, जैसे कुछ बातें सिर्फ आदमी आदमियों से कर सकते हैं, हमें लगता है कि ये सारी बातें ना अब आदमियों को आदमी से करनी चाहिए कि कैसे हम अपनी जो ये खराब हरकतें हैं, खराब हरकतें बिल्कुल, उनको कैसे सॉल्व करें। yes. क्योंकि ये बीमारी है और ये बीमारी हमारी है, ये हमारी बीमारी, तो हमें इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। और इससे हम सब सफर करते हैं, फिर पेट्रियार्की से आदमी भी सफर करता है, क्योंकि पेट्रियार्की आदमी को बताती है कि तुझे इस तरीके से दिखना है, तुझे यहाँ नहीं रोना है, तुझे ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, तो उससे तुम भी सफर करते हो। तो वो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को अपनी एक तो लिमिटेशंस जो है ना, वो वही जैसे मैंने बोला कि हम पैदा आदमी हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास वो प्रिविलेज है पैदा होते हुए ही, और हम सोचते ही वैसे, फिर हम ब्रॉटअप भी आदमी की तरह होते हैं। तो हमें इसके बारे में रोज सोचना, हर कदम पे अगर हम किसी भी इंटरेक्शन में है, नॉट जस्ट विद फीमेल्स और नॉट जस्ट विद वुमेन और विद अदर जेंडर्स बट विद आर जेंडर ऑल्सो, क्योंकि हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी बीवी को या अपनी बहन को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं बट आपस में आदमी आदमी में हम कुछ और सोच, क्योंकि हम सोच तो बना रहे हैं ना, वो सोच तो हम वही डेवलप कर रहे हैं, तो हम कभी भी पलट सकते हैं। और हम सिर्फ महिलाएं सिर्फ हमारे घर में थोड़ा ना है, महिलाएं तो और भी हैं। तो फिर ये तो इससे तो जस्टिफिकेशन नहीं होगा कि मैं क्योंकि अपने घर की महिला की इज्जत करता हूँ, इसका मतलब मैं बाहर की महिला की भी इज्जत करता हूँ, बट मेरी पेट्रियार्की तो मैं अपना वो रखूंगा, मैं अपने घर पर मैं अपने घर पर वो इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर के लोगों को जज कर रहा हूँ उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो मेंस रूम वाला जो है उसमें एंटर करने की भी जरूरत है कि हम जो जब आज जब चार आदमी मिलके जब बात करते हैं तब किस तरीके से महिलाओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो सब सोच डेवलप करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रिविलेज है वो पावर है हमारे पास, और उस पावर को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। हम जरूर इक्वालिटी कर रहे हैं, मगर अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मैं पावर दिखा सकता हूँ, हम अपनी उस पर वापस आ जाएंगे, पावर दिखाने लग जाएंगे। सो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम आपस में बात करते हैं, हमें मोर सेंसिटिव होना चाहिए अपने आप में, हमारे पास भी वो चीज़ें होनी चाहिए कि हम शेयर कर पाएं वो सारी चीज़ें। हमारा ये जो इमोशनल जो वो जो पेट्रियार्की है उससे हमें आपस में लड़ना होगा एज मतलब मैन ऑल्सो टुगेदर ऑल्सो उनके साथ, तो है उनको क्यों हम इस लड़ाई में अपने उसमें लेके आए, क्योंकि ये तो हमारी बीमारी है, हमारी लड़ाई है, वो क्यों हमारा इलाज करें? हमारा इलाज हमें खुद करने की जरूरत है। और वो आपस में बात करके बात भी नहीं, कभी कभार हमें आपस में बहुत स्ट्रिक्ट होने की भी जरूरत है, हमें लोगों से रिलेशनशिप डिस्कार्ड करने पड़ेंगे और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि नहीं, मैं इस इंसान से इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि ये नहीं करता इक्वालिटी में बिलीव, चाहे वो कितना बड़ा इंसान हो, चाहे वो मूवमेंट में भी कितना बड़ा इंसान हो, बट हमें वो थ्रेड्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो दोहरा अभिशाप फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि आपने आदमियों को तो इक्वालिटी दिला दी लेकिन आप औरतों को तो वो कर रहे हो, तो आप फिर बाबा साहब में फिर आप नहीं विश्वास कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं उस तरीके से करना पड़ेगा। बस एक आखिरी सवाल है, चूँकि हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, देश दुनिया की, पैट्रियार्की की, कास्ट की, और मेरा हमेशा मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता रहता है कि जैसे आप लोग के सामने रोहित वेमुला का जब मामला आता है, आप लोग के सामने जब हाथरस का मामला आता है, कितना ज़्यादा दर्द, पीड़ा, रात को नींद नहीं आना, स्केच बनाते बनाते या आर्ट बनाते बनाते रो देना, उसको छोड़ देना कुछ देर के लिए, क्योंकि आप उस पीड़ा को, जैसे जब रोहित वेमुला की चिट्ठी मैंने पढ़ी तो मतलब मैं बिल्कुल लॉस्ट, मतलब भूल गया था कि मतलब मुझे अपने बारे में नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा था। तो आप लोग के सामने तो हर हफ्ते रोज ऐसी स्टोरीज आ रही हैं, और फिर आपको एज अ कलाकार उस पर समाज के लिए, चूँकि सोसाइटी के लिए एक आर्ट, एक विजुअल तैयार करना है, वो भी जिस पे सोसाइटी जो है उस पे रिएक्ट करे और उस पे चर्चा हो ताकि उसका समाधान ढूंढा जा सके, तो इन सब चीज़ों को कैसे जो है आप लोग हैंडल करते हैं? पहले लोकेश भाई, फिर सिद्धेश भाई, और इसके बाद हम लोग जो है इस चर्चा को आज यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, और फिर हम जो है ना फिर मुलाकात करेंगे जल्दी, और फिर आप दोनों से, और कोशिश करेंगे कि दो महिला आर्टिस्ट हो जाए उनका इंटरव्यू, चारों का इंटरव्यू मीना कोटवाल करें। मेरा मतलब इस डिस्कशन का जो है एक दिमाग में ये भी आया, आपसे ये सवाल लेता हूँ
और फिर उसके बाद जो है ना अंत में सिद्धेश भाई से। क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे जो है आप पहले डूबते चले जाते हो आप, और फिर उस चीज़ों को आप महसूस भी करते हो कि किस तरह की घटनाएं हैं, क्या हो रही है। तो ये तो स्वाभाविक है कि वो जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो आपके अंदर आना चालू हो जाती है। लेकिन वही चीज़ है कि सिस्टम से लड़ना है, उनसे बात करना है, कैसा क्या किया जा सके। और ये हमारा माध्यम है, जो हमारे अंदर की जो कला है, कि उनके ज़रिए से जो है लोगों को बताया जाए कि ये जो घटनाएं घटी है वो किस तरह की है। किस तरह की मतलब, जैसे अब हाथरस की है कि रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, जीभ काट देना। तो मुझे भी ध्यान है कि जब इसको लेकर के मैं उस समय डिजिटल रूप से तो बना नहीं रहा था, मैं स्केच कर रहा था मैं, तो जब मैं उन चीज़ों को जब मैं जाहिर कर रहा था तो खुद मैं उसमें डूबते चले जा रहा था। और ये सारी चीज़ें आपको चैन से सोने या चैन से बैठने तक नहीं देती। और एक घटना घटती, फिर अचानक फिर दूसरी घटना का पता चल जाता है। जैसे कि हाल फिलहाल में एक जो बच्चा है सोलंकी IIT का, उसने छत से कूद करके जो है अपनी जान दे दी। तो ये भावनात्मक रूप से बहुत ये हम लोगों को परेशान करती है। पर प्रयास है हमारा कि जितना ज़्यादा हो सके इस कला के माध्यम से कुछ क्रांति ला सकें, हम लोगों में वो जागरूकता ला सकें, खासतौर पर बच्चों में ला सकें, जिनके साथ घटनाएं होती हैं उनके प्रति ला सकें। और सिर्फ क्रांति नहीं बल्कि अवेयरनेस भी जो है वो जागरूक कर पाए हम। तो मेरे साथ भी थोड़ा वही सिमिलर, एक तो वो ऐसा कुछ भी होता है तो मैं वापस अपने कस्बे पे चला जाता हूँ। आप अपने बचपन में? हाँ, तो मैं अपनी दादी का घर याद करता हूँ, क्योंकि अभी भी वो घर है और अभी भी हम वहाँ जाते हैं। वो जिस तरह का घर है, जिन गलियों में रहा जाता है, वहाँ पे रहते हैं अभी भी। और तो मुझे कहीं ना कहीं, और मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि मैं लोगों से एसोसिएट करने लग जाता हूँ चीज़ों को, तो मुझे कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि यार ये मेरे मोहल्ले लाल सराय में ही हुआ है, क्योंकि वो सारे मोहल्ले जहाँ पे मैं पूना में भी, मैं जिन मोहल्लों में गया वो बहुत सिमिलर हैं। हमारी बस्तियाँ बहुत सिमिलर हैं, अगर हम देखा जाए तो सिमिलर तरह के लोग बसते हैं, अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग खाना खाते हैं, सबकी मिजरी भी सिमिलर है। तो मेरे लिए मैं अपने कस्बे में वापस चला जाता हूँ और वो मेरे लिए एक पर्सनल मैटर हो जाता है। फिर मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को जिन लोगों ने, एक बच्चे को तो जिसने खुद की जान ले ली थी। तो मेरे लिए जब रोहित विमला हुआ तो मेरे लिए उसका भी वो सारी जो दर्द था, वो सारा जो जो चोटें थी वो खुरद गई, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। मैं समझ सकता हूँ कि वो इन्हीं मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, शायद मेरे पड़ोस में ही रहने वाले हों। अगर मैं वहाँ पे, ये तो चांस है ना कि मैं बिजनौर में पैदा हुआ था या मैं नगीना में पैदा हुआ था, अगर मैं वहाँ पे पैदा हुआ था तो शायद मेरा घर भी वहीं होता, क्योंकि हमें तो वहीं रखा गया, गेटोइजेशन तो वहीं रखा गया। इसीलिए हम इसको पैन इंडिया एंटी कास्ट मूवमेंट करने की बात करते हैं, कि नहीं सिर्फ हमें यूपी से नहीं ख़त्म करना है, बिहार से नहीं ख़त्म करना है, क्योंकि हमें पता है कि सब जगह वही सफरिंग है। और हम अपने जानने वाले लोगों को उसमें देख पाते हैं, हम उससे सीधे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई, किसी ना किसी ने किसी ना किसी को खोया है अपने आजू बाजू में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, जो इस वायलेंस, जो कास्ट की वायलेंस की वजह से हुआ है। मैं तो वेस्टर्न यूपी से आता हूँ, तो वो तो बहुत वायलेंट इलाका रहा है, अगर कास्ट पॉलिटिक्स देखी जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एंटी कास्ट लोग, जो अम्बेडकराइट लोगों के ऊपर अटैक्स हुए हैं जिस तरीके से मेरे फैमिली में, मेरे मोहल्ले में, तो मेरे लिए वो सारे के सारे जख्म मारे हो जाते हैं। और वो टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब उसको निकालना भी, किसी और से बात करना। मुझे याद है नंब होना, मतलब क्या आप अपना बाकी काम भी नहीं कर पा रहे हो, और आप इस बात को किससे कहोगे? मतलब आप अगर अपने ही लोगों से कहते हो तो वो यार वो बात करने लायक ही नहीं बचती है, क्योंकि हम दोनों इतने इमोशनल हैं, बाहर का कोई आपको सुन नहीं सकता। अगर हम उसको लिख के निकालते हैं तो वो कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो हमारे पास जो एक एक्सप्रेस करने का एक लौता तरीका बचता है कि वो हम अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। किसने लिख लिया, किसने पोएट्री कर ली, किसने ड्रॉ कर लिया। और इसलिए आप देखिए तो जो ये जो वर्ग है बहुजन समाज, स्पेशली जो अनटचेबल्स, जो एक्स अनटचेबल्स जो समाज है, वो जिस तरीके के एक्स मत कहिए, अभी भी अनटचेबल्स हैं। बिहार में अगर आप जाएंगे तो डोम समाज को गांव से, मीना ने इस पर बहुत रिपोर्ट किया है, और वहाँ पे उनके साथ अभी भी बिल्कुल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस। तो इसलिए मैं एक्स अनटचेबल शब्द जो है, कॉन्स्टिट्यूशनली एक्स अनटचेबल्स, बट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। हाँ,
तो वो जो समाज है उसको कहीं ना कहीं इसने विलास गोगरे जैसे लोग देखे हैं जिसने अपने आप को फांसी लगा ली और कविताएं लिखता था, इस डिप्रेशन में मतलब लोग चले जाते हैं और ये रहा है। मतलब अगर आप देखें महाराष्ट्र में स्पेशली जो शायरी करने वाले लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को खोया है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आर्ट के ज़रिए अपने आप को खो दिया। और अपने आप को खोना सिर्फ सिर्फ जीवन से रहित हो जाना नहीं है, इंटॉक्सिकेशन का आना भी है। लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं या फिर और वो नशीले पदार्थ ले रहे हैं, उनको उनकी आदत पड़ गई है, क्योंकि वो हम उसको ये ज़रूर देखते हैं कि वो आदमी जो है दारू पी के आ रहा है, हमें उसको उस सोशल रिफॉर्म के ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि वो क्यों पी के आ रहा है, उसको ऐसा क्या सोसाइटी उसको कर्ज कर रही है कि वो दारू पी के आ रहा है और उसको रोज़ दारू पीनी पड़ रही है, कि उसको वो प्लेजर सीख करना पड़ा है, वो नॉर्मल फील कर रहा है दारू पीने के बाद, उसको लग रहा है कि अब मेरा जो है वो थॉट जो है वो सेन हुआ है। मतलब आप तो चाहते हो ना कि घर पे चैन की नींद सोना चाहो, बट वो तो सर घुमा रहा है अपना, ये सारी चीज़ वो क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो हमें कहीं ना कहीं वो भी निकालना पड़ेगा कि जो इंसान जो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है, वो जिस तरीके की गैस के आसपास रह रहा है, उसको कहीं ना कहीं इससे छुटकारा मिल रहा है, वो जैसे भी वो फील कर रहा है उसको, हमें उन चीज़ों को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो इंटॉक्सिकेशन पे क्यों जा रहा है, हम किसी को एकदम से नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप उसके डिप्रेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आप उसको जो लगता है वो डिपेंड जिस पे कर रहा है, उससे उसको कोई समाधान मिल रहा है, आपने उसको उससे वो छीन लिया, तो उसका उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। फिर वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो लोग भी सुसाइड करने की तरफ जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें जिस तरीके से पूरी दुनिया में आजकल मेंटल अवेयरनेस के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर जो बात चल रही है, हमें अपनी सोसाइटी में भी उस मेंटल हेल्थ को उसी तरीके से कंसिडरेशन के साथ लाना चाहिए। हमें वो सारे जो डीपर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कुरेद के निकालना चाहिए कि अगर आदमी जो दारू पी रहा है वो दारू क्यों पी रहा है, और तब हम शायद उसकी दारू छुड़वा पाएंगे। क्योंकि वो और ये सारी चीज़ें हैं, पता नहीं, मतलब मैं शायद थोड़े भावनाओं में कहीं और बह गया हूँ, बट हम समझ सकते हैं उन सब चीज़ों को। और वो एक्सट्रीमिटी पे जाने के लिए, जिसके पास पैसा है, जो लाइफ में खुश है, वो नहीं दारू पी के आता है रात में, क्यों नहीं वो पी के आता है दारू पी के रात में, क्यों यही दारू पी के आ रहा है रात में, या क्यों इसी को किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेबिलिटी बनानी पड़ रही है। तो वो चीज़ों का भी समाधान निकालने की हमें ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम एटलीस्ट हम वो समझ तो सकते हैं। अब जब ये अपर क्लास एलीट सोसाइटी जब सोचती है, तो वो सीधे ये बोलती, कह रहे यार इनका तो नशा मुक्ति केंद्र शुरू कर दो, इनको तो ये कर दो, इनका डिप्रेशन ऐसे चला जाएगा। नहीं, आप जो है थेरेपिस्ट के पास जाते हो, पैसा लेते हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे काफ़ी सारे केसेस एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी में जो ये टेकिंग योर ओन लाइफ, ये सारे जो केसेस हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम मेंटल हेल्थ और इन सब के ऊपर काम करें। हमें भी वही है ना कि आप हमें इंसान ही नहीं समझते हो, मेंटल हेल्थ भी सिर्फ एक क्लास एक कास्ट के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। और हमें कहीं ना कहीं वो आपस में भी शुरुआत करनी पड़ेगी कि आपस में हम उस तरह का सेफ स्पेस बना पाएँ, एक ऐसी सोसाइटी बना पाएँ जहाँ पे हम इस मेंटल हेल्थ को रिजॉल्व कर पाएँ। बहुत ही सार्थक चर्चा रही, एक अच्छे मूड के साथ हमने शुरू किया था, लेकिन बात करते करते सिद्धेश जो है भावुक हो गए, क्योंकि बहुत सारी बातें आती गई और उसमें कुछ बातें ऐसी हुई जो वो बचपन में भी चले गए, वो उन्होंने ऐसी बातें की जो जिस जो हमें रोज़ परेशान करती हैं, जिस वजह से शायद हम सो नहीं पाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, और दमूक नायक के साथ आप यूं ही बने रहिए। नमस्कार।